हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है ये आपका चैनल है और अगर हम बात करें आज की डेट की तो आज हम हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी आ गई है इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा वर्चुअल डेट फ्री स्टॉक हर तीन महीने में, में छह सात सौ रुपए भागते ही भागता है इसकी हिस्ट्री बताती है तो इस वीडियो को जाके देख लीजिएगा आपके पोर्टफोलियो में तो अच्छा नहीं है तो अपनी स्टडी करके आप यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं एज वेल एज कल के दिन एक हमारे आईपीओ से रिलेटेड वीडियो डाल दी थी आईपीओ इसे काफी लोगों ने प्यार दिया तो थैंक यू सो मच एज वेल एज हमारी वीडियो आगे भी इसी तरीके से आती रहेंगी इन वीडियो को देखिए सीखिए सीख के आप पोजिशन लीजिए बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ये वीडियो जो है इसमें ऐसे स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं आई विल बाय दिस स्टॉक आज ऑर्डर लगाया था बट ऑर्डर लग नहीं पाया टुमारो इन द मॉर्निंग आई विल लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर ओके आई विल प्लेस एन ऑर्डर फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक तो इस ऑर्डर से रिलेटेड ऑर्डर प्लेस करेंगे और

डेट में देखें तो यहां पर अच्छा खासा गेन दिए फाइव डेज में देख सकते हैं अच्छा खासा गेन है वन मंथ में आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा साइडवेज पे शेयर चल रहा था सिक्स मंथ की बात करें तो अच्छा खासा लगभग चालीस रुपए पे शेयर चल रहा था पैसे यहां पर डबल तो किए ही किए ओके okay, मैं यहां पर भी खरीदने वाला था स्टॉक को बट एक बार आता है दिमाग में फिर उसके अंदर निकल जाता है क्योंकि स्टडी करते रहते हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स हमारे पास होते ही है अब तो निकल जाता है माइंड से तो इस वजह से ये स्टॉक भी हमारे हाथों से निकल गया कोई इशू नहीं है बट अभी मिला है अब दोबारा स्टडी करी है और यहाँ पर अच्छे खासे हमारे गेंद मिलेंगे यहाँ पर तो वहाँ पर देख सकते हैं लगभग अच्छा खासा यहाँ पर एक साइड में चल रहा है वन ईयर देख सकते हैं अच्छे खासे गेन है अगर जब से मार्केट क्रैश हुई है तब से देखे तो भी अच्छे खासे गेंद दिए मतलब बीस रुपये का स्टॉक नाइन्टी पे हो गया है नाइन्टी पे और नाइन्टी सिक्स वाला स्टॉक

ओके okay, नाम देख के बिल्कुल मत यही है कि नाम देख लिया कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं है स्टडी पे बिलीव करिए स्टडी करके कुछ भी हम जो चीजें लेते हैं ना तो शेयर भागते ही है स्टडी करके कल की डेट में यहाँ पर आपको वीडियोस में काफी स्टॉक बताए थे बहुत सारे स्टॉक आज के डेट में चार चार पांच पांच परसेंट भागे आज भी बताऊंगा ऐसे स्टॉक वो भी भागेंगे तो बट स्टॉक से रिलेटेड बात कर देते तो देखिए टाटा स्टील बी पहले यहाँ पर भूषण स्टील के नाम से जाना जाता था टाटा स्टील ने यहाँ पर एक्वायर किया था ओके इसके अलावा हम अगर हम जाने कुछ और चीजें तो यहाँ पर देख सकते उन्नीस

दिया था बोनस की बात करें कोई बोनस नहीं है राइट इश्यू की बात करें तो राइट इशू तीन बार यहाँ पर राइट इश्यू भी आ चुका है बहुत पुरानी कंपनी है एज वेल एज यहाँ पर कुछ और चीजों से रिलेटेड बातें करते हैं तो यहाँ पर देखिए टाटा स्टील इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर ओके टाटा स्टील बी की बात कर रहा हूँ प्लेयर्स इन द इंडियन स्टील इंडस्ट्री बैक विद मोर देन 27 सेवन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सत्ताइस साल का एक्सपीरियंस है और थर्ड लार्जेस्ट सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये इंडिया की और अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी जो

यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं उन सीटों को आप कवर कर सकते हैं यहाँ पर हम और यहाँ पर जा इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो इनके बारे में और यहाँ पर जान सकते हैं कि एग्जैक्टली exactly कंपनी करती क्या है क्या क्या है यहाँ पर यहाँ पर हॉट रोल्ड ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है यहाँ पर जो ऑटो में जो स्टील्स लगती है और स्टील की आपको पता ही है स्टील का यूज़ होता है तो वो जो एक चीज़ें बनती है जो उसका पूरी की पूरी स्ट्रक्चर वो ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है कोल्ड रोल्ड गैलवेन गैलवेन गैलवेनाइज एंड

स्टील यूज करती हुई नजर आती है फोर्ड इवन फोर्ड भी यहाँ पर इनके क्लाइंट है तो यहाँ पर देखिए बड़े बड़े क्लाइंट है ओके यहाँ पर इनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर इनके फाइनेंशियल कंपनी एक्जैक्टली और क्या क्या करती है वो सब चीज पता चलती है बट अगर हम बात करें और चीजों की तो टाटा स्टील -टा मेन चीजों पर आते हैं फाइनेंस पे फाइनेंशियल स्पेस के तो मार्केट कैप देखिए स्मॉल कैप कंपनी है नौ करोड़ रुपए की मार्केट कैप है बारह के आर पे चल रही है अट्ठावन का यहाँ पर डेट है ओके बुक वैल्यू की बात करें एक सबसे मेन बात यहाँ पर शेयर प्राइस कितना चल रहा है 96 है, अभी तो ये कल का प्राइस है 96 पर शेयर प्राइस चल रहा है 96 97 और बुक वैल्यू कितनी है 184 मतलब डबल तो पैसा आपका यहां पर हो रहा है सबसे पहली बात डबल के लिए तो यहाँ पर रखना है 184 यहाँ पर फेस वैल्यू यहाँ पर दो है वैल्यू 332 मतलब इससे भी दुगनी इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है तो मतलब क्या हो गया दुगने के अलावा यहाँ पर चार गुना आपका पैसा यहाँ पर हो गया ओके यहाँ पर चार गुना पैसा हो गया यहाँ पर ही आपको दिखा दिया कि चार गुना पैसा हो गया बट अभी टेक्निकल दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगी कि आपका पैसा चार गुना नहीं आपका पैसा यहाँ पर पांच गुना होगा पांच के रिटर्न मिलेंगे सेल्स देखिए सेल्स देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है और अभी जो सेल्स है जो अभी मार्च के रिजल्ट थे वो हाइएस्ट है सेल्स थी इनकी ओके सात सात हजार तीन सौ इक्कीस यहाँ पर करोड़ पे की सेल्स थी इसके अलावा हम यहाँ पर और भी कुछ चीजों की बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो हाईएस्ट हाइस्टर था कंपनी तो ने, नेगेटिव में थी और अभी बात करें जब से आ, अगर बात करें टाटा स्टील ने अपनी अपने कमान में लिया है तो अभी ये कंपनी और ज्यादा हो गई है अठारह करोड़ की करोड़ पर सेल्स हो गई है हाईएस्ट एवर ही कह सकते हैं पिछले दस दस बारह क्वार्टर में सेल्स ईयरली बेसिस पे बात करें तो देखिए पांच हजार छह सौ ग्यारह करोड़ रुपए की सेल्स आज की डेट में इक्कीस हजार चार सौ उन्नीस करोड़ की सेल्स में हो गई मतलब हाईएस्ट है सेल्स और कंपनी की नौ हजार नौ सौ चौरानवे करोड़ की कंपनी है और यहाँ पर सेल्स कितनी हो रही है सेल्स हो रही है यहाँ पर क्वार्टरली वाइज सेल्स देख लिया तो सात हजार से ज्यादा करोड़ की यहाँ पर सेल्स हो रही है लगभग उसी कंपनी की वैल्यू के बराबर और यहाँ पर ईयरली सेल्स देखे तो इक्कीस हजार करोड़ की सेल्स है ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे पांच हजार चार सौ इक्यावन करोड़ का मतलब कंपनी की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा तो यहाँ पर हाफ से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर ऑपरेटिंग uh, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात करें दो हजार चार सौ एवर पिछले दस साल में यहाँ पर इनकी सेल्स हुई है तो इस चीज को आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट क्यों पड़ा है क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर पर देते थे ये लोन ओके मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट देते थे तेईस तेईस हजार करोड़ यहाँ पर इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट देते कंपनी ने टाटा स्टील के पास आई इन्होंने पूरा का पूरा पर मोस्टली पे कर दिया और यहाँ पर अगर बात करें अब तो यहाँ पर कंपनी अब यहाँ पर थोड़ा सा बत्तीस पर बनबे करोड़ दो करोड़ का इंटरेस्ट पे करते थे अब एक करोड़ का इंटरेस्ट पे करते ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करते और अगर इसी तरीके के पच्चीस सौ के लगभग यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर अगर पांच बार भी इस तरीके का लगभग चार बार भी इस तरीके का, इस तरीके का नेट प्रॉफिट आ गया तो कंपनी की तो याद रखिए फिर इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट नौ देखिए तेरह करोड़ के रिजर्व के रिजर्व रिजर्व कभी नेगेटिव में छब्बीस तो करोड़ के रिजर्व थे अभी के है। और यहाँ पर दो मतलब कंपनी के पास इतना जितनी की वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा तो यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व पैसे पड़े हुए हैं की बात करें कभी पचास हजार करोड़ के आसपास की, की बॉरिंग थी यहां पर पर धीरे धीरे कम कर रहे हैं सत्रह कर, करी से फिर उन से पर अभी करोड़ कर दी तो मतलब और कम कर देंगे तो और इनका इंटरेस्ट कम जाएगा और इंटरेस्ट कम जाएगा तो यहां पर एड होते हुए पैसे नजर आएंगे और अच्छा खासा कितना लगभग सोलह करोड़ रुपए अभी भी इंटरेस्ट जा रहा है सोलह करोड़ रुपए यहाँ पर एड हो जाते तो यहाँ पर चार करोड़ की सेल्स हो जाती इस चीज को आपको समझने वाली बात है फिक्स एसेट देखिए अच्छी खासी है वर्किंग प्रोग्रेस में चार करोड़ रुपए

बमनीपाल स्टील लिमिटेड जो कि इनकी सबसे ये उसकी सब्सिडरी है ये तो अगर बात करें सेवेंटी टू पॉइंट सिक्स फाइव जो कि टाटा स्टील ही कह सकते हैं एफ की बात करें एफ के पास पॉइंट सेवन फोर परसेंट की डी के पास थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं फोर पॉइंट फाइव नाइन परसेंट की और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास हिस्सेदारी बढ़ रही है ट्वेंटी की हिस्सेदारी है बट अभी भी -वी, अगर हम यहाँ पर देखें वन पॉइंट सेवन सेवन और थ्री परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर से कम करते तो केवल नाइनटीन की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक के पास में यहाँ नजर आती है अब बात करते हैं कुछ उसके टेक्निकल्स की आपको फाइनेंशियल समझ में आ गए काफी बेहतरीन जैसे 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 तो देखे तो यूएस में एक लोगों में एक पे केवल बीस से बाईस लोग ही यहाँ पर कार यूज करते हैं है। तो जैसे जैसे, जैसे, जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है कार बढ़ रही है ओके इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है लोगों के पास पैसे आ रहे हैं लोग अमीर होते जा रहे हैं और लोग जैसे जैसे अमीर हो रहे जैसे कैपिटल इनकम उनकी इंक्रीज हो रही है तो जैसे हमें

यहाँ पर देखिए दो हजार यहाँ पर देखिए दो हजार दस में ओके यहाँ पर ये हाइएस्ट एवर प्राइस पर गई थी लगभग पांच सौ साढ़े पाँच सौ रुपए के आसपास यहाँ पर गई थी तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पर देखें 2010 में तो 2010 में जब यहाँ पर कंपनी थी तो छप्पन सौ ग्यारह करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स थी ओके आज की डेट में सेल्स इक्कीस करोड़ के आसपास है से यहाँ पर प्रॉफिट आठ करोड़ था आज की डेट में पच्चीस करोड़ के आसपास है मतलब सब कुछ हाइएस्ट एवर है और लगभग लगभग चार गुना कंपनी हो गई है बट इसके शेयर के प्राइस की बात करें तो शेयर का प्राइस कितना है केवल नाइनटी सिक्स पर शेयर का प्राइस है तो सबसे पहले इसलिए तो तो पास्ट में अभी देखा होगा तो ऐसे ऐसे स्टॉक है छह सौ रुपए पे चल रहे अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा इंटेलेक्ट डिजाइन यहाँ पर ये आईटी कंपनी आप आईटी कंपनी से क्यों कॉन्ट्रेक्ट कर रहा हूँ बस कोई नहीं करना पड़ता है अगर हम यहाँ पर देखें पैंड में छियालीस था आज की डेट में कितना रुपए पे है सात सौ रुपए पे जब ये सात सौ रुपये

ओके okay, दूसरा टारगेट नजर आ रहा है इस चार्ट पैटर्न से तो इसका चार्ट पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पर एक अच्छा खासा कब हैंडल पैटर्न कह लीजिए या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें रिवर्स हेड एंड शोल्डर कह लीजिए कि यहां पर एक इसने शोल्डर बनाया इसके बाद यहाँ पर इसने एक हेड बनाया और हेड बनाने के बाद यहाँ पर दोबारा एक शोल्डर बना रहा है और जब इसका ब्रेकआउट निकल के आता है थोड़े टाइम में जब इसका ब्रेकआउट निकल के आएगा तो इसका ब्रेकआउट वो होगा जो कि इसके लो से होता है यहाँ पर इसका लो देख सकते हैं ओके यहाँ से अगर हम उठाते हैं तो ये से पर से उठा के रखते हैं पर दो सौ रुपए थी एटी फोर तो वन एटी फोर रूपीज ही आ रहे पैसा यहाँ पर डबल हुआ आपका ओके, फिर इसके बाद जो तीसरी इसकी, अगर हम बात करें, वैल्यू कितना थ्री थर्टी टू तो थ्री थर्टी टू अगर हम देखते हैं तो थ्री थर्टी टू यहां पर कितना आता है थ्री uh, थर्टी टू लगभग इतना ही आता है यहाँ पर आता है तो यहाँ पर से अगर हम देखते हैं कितना uh, कितना गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर देखिए प्राइस ये है सबसे पहला यहाँ पर टारगेट आपके पैसे डबल ओके यही वाला हंड्रेड परसेंट इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा टारगेट दूसरा टारगेट कौन सा है जो इसका वैल्यू है आ, कितना दो ओके तीसरा टारगेट कौन सा है तीसरा टारगेट आपके सामने है

इसी तरीके से पचास रुपए का तो इतना वॉल्यूम थे इस हिसाब से वॉल्यूम अब दोबारा यहाँ पर आए है तो इस चीज को देखें यहाँ पर से भागना था इस शेयर को बट यहाँ पर पेंडेमिक आया गिरावट हुई बट अब दोबारा भागने पे है तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है तो यहीं पर ही क्लोज करते हैं बट सब कुछ टारगेट आपके सामने है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है वीडियो को लाइक कमेंट करना है लास्ट तक वीडियो को देखना है लोग दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती है सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस